धन्यवाद आयुषी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो इस वक्त बने हुए हैं मिस्ट्री मैन, क्योंकि कल से वो कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता, उनकी लोकेशन कहां है ये किसी को नहीं पता। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि सड़क मार्ग के रास्ते रांची जा सकते हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने अपने सांसदों को रांची बुलाया है। और इसी के साथ बड़ा अपडेट ये भी है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन से ईडी को सोमवार को पूछताछ करनी थी। सोरेन रविवार रात तक दिल्ली में ही थे, लेकिन सोमवार सुबह अचानक से गायब हो गए। तलाश में ईडी की टीम ने दिल्ली में उनके घर से लेकर कई ठिकानों की खाक छानी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस दौरान हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन्हें ईडी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर देर रात तक मौजूद रही, सोरेन का इंतजार करने के साथ साथ जांच भी करती रही। सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ की और उसके बाद सोरेन की पर्सनल गाड़ी की तलाशी भी ली। हेमंत सोरेन की हरियाणा नंबर की BMW गाड़ी की जब तलाशी ली गई, तो उसके अंदर से कुछ कागजात मिले, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई सुराग नहीं मिला। सर क्या बात है, अंदर क्या बात है? सुबह से हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद ईडी की टीम देर रात वहां से बरामद दस्तावेजों और BMW कार को जब्त करके निकल गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। जांच की आज झेल रहे एक मुख्यमंत्री जिनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, 10 NSG कमांडोज हैं, टोटल 55 ट्रेन कमांडोज हैं, वो इस तरह से अनट्रेसेबल हो जाए, इस बात से हर कोई हैरान है। हेमंत सोरेन का सुराग नहीं मिलने से सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड सरकार का महाधिवक्ता, झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए हैं दिल्ली से, या तो बीमार हो गए हैं, या तो अपहरण हो गया है। झारखंड के राज्यपाल जी को उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड की नाक कट गई। CME is not responding today, he has to respond tomorrow. Is the action taken by the law enforcing force? As a true citizen, we must obey to it. रांची में ABUP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हेमंत सोरेन का पुतला फूंका, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।